सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर, जो मेरा थ्योरी टेस्ट है उसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी भी है, तो टेस्ट वहाँ पर जा करके मैं दूंगा। तो जैसा भी वहाँ पे होगा टेस्ट, फ़ी वगैरह कितना है पूरा एग्जैक्टली मैं बताऊँगा, और डायरेक्टली क्योंकि अभी मेरा आईडी कार्ड नहीं है तो ब्लू पेपर पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो देखते हैं वो लोग जो एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। तो अभी बाइक पे जा रहे हैं भाई के साथ, सुबह अभी 7 बजे हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 7 से आज 2 बजे तक खुला है, तो बैटरी है कि जल्दी कर लेंगे अपना काम जाके। इसके बाद मेरे को आईडी माल्टा भी जाना है, वहाँ भी थोड़ा काम जो है वो आईडी का पता करेंगे कि हाँ आज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो भी थोड़ा रास्ते में ही करेंगे, तो भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा रास्ते का व्यू यहाँ का कैसा है। तो जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो मिलते हैं आगे रास्ते में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने अड्डे पे। भाई मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के अंडे से, ये है पीछे टेस्ट थ्योरी सेंटर, तो यहीं पर जो मेरा टेस्ट है वो होना है। जा करके फटाफट अपना टेस्ट देते हैं और फिर बाद में आपको एक्सपीरियंस में अपना शेयर करता हूँ। तो गाइज मैं अभी टेस्ट दे के बाहर आ गया हूँ, ये है टेस्ट थ्योरी सेंटर आप देख सकते हो। तो तुम्हारे भाई ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो टेस्ट है क्लियर कर दिया है। ये इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी, दो कॉपी दी है इन्होंने। तो भाई अभी डायरेक्टली मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने डायरेक्ट फाइनल टेस्ट के लिए, आज ही अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो गाइस मैंने लोग देखे हैं वो चार चार अटेम्प्ट्स में भी पास नहीं कर पा रहे हैं, पाँच पाँच अटेम्प्ट्स में पास कर पा रहे हैं। यार इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये टेस्ट जो आपको लगता है, पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है। अभी मैंने 10 मिनट के अंदर ही जो अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया, फटाफट मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए। यार जस्ट आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, बाकी मैं रूम में जाके थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या करना है किसी और दूसरी वीडियो में, कैसे आपको टेस्ट ब्रेक करना है और क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ आई डी माल्टा के लिए अपनी आई डी कलेक्शन करने के लिए। अगर किसी ने टेस्ट ब्रेक करना है कैसे करना है तो भाई मटेरियल वगैरह मेरे से ले सकता है, मेरे को कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग आईडी माल्टा और वहां से हमने आईडी कलेक्ट करनी है अगर वो दे देंगे तो। तो गाइज अभी आया था मैं आईडी माल्टा, बट यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम है कि 10 दिन पहले आना, अभी अक्टूबर का है जो मेरा एक्सपायर डेट, तो अभी अक्टूबर यार बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, पता नहीं अभी कब तक आएगा कब तक नहीं। यहाँ पर जो मेरे को अभी मिले हैं वो काफ़ी जो लोग मिले हैं जिनका अभी तक कार्ड नहीं आया, एक एक महीने से ज़्यादा हो गया है, पता नहीं यार क्या रीज़न है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर भी। तो चलो अभी रूम के लिए निकलते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल आए थे, कान का प्रॉब्लम था और शोल्डर का, अभी मेडिसिन लिख दिया डॉक्टर ने, तो बहुत टाइम लगा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्लो जो सर्विस है यहाँ की है, बाकी अभी मेडिसिन लेके देखते हैं आराम लगेगा फिर। तो गाइस फाइनली अभी मैं रूम में पहुँच गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया है और हॉस्पिटल भी जाके आ गया, और अभी जस्ट खाना पीना करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो भाई जो भी मेरे YouTube चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो इस चैनल पर मिलती रहें। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।